नमस्कार, गुड्डीज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पाइसी पॉमफ्रेट कड़ी। ये बड़े आसानी से बन जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम पॉमफ्रेट फिश लिया है, जिसको हमने अच्छे से धोकर स्लाइस करके ड्राई कर लिया है। अब इसको 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ऑयल डाल के मैरिनेट करेंगे। अब हाथों से इसको अच्छे से लगा लेंगे दोनों साइड से। अब इसे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। हम पहले ड्राई मसाले बनाएंगे। उसके लिए एक प्री हीट पैन लिया है, जिसमें 3-4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे, 4 लौंग डालेंगे, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया डालेंगे और 15-20 काली मिर्च डालेंगे। अभी सबको खुशबू आने तक भून लेंगे। खुशबू आ गया है, अब इसे निकाल लेंगे और इसके पाउडर बना लेंगे। अब सेम पैन में हम 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 100 ग्राम रफली चॉप्ड अनियन। इसे थोड़ा ट्रांसलेंट होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 5-6 लहसुन, ऐसे ही रफली कट करके। उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी रफली कट करके डालेंगे और 4-5 हरी मिर्च भी डाल देंगे। इस सबको थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें 10 से 15 ग्राम नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके भी डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम टमाटर, इसे भी थोड़ी देर भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और ये सबको फिर से अच्छे से भूनेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए। पाँच मिनट हो गया है, हम इसे फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर अच्छे से गल चुका है। अब ये सारे मसाले को ठंडा होने देंगे और इसे पीस लेंगे। ये हुआ हमारा गीला मसाला। अभी सेम कढ़ाई में ही हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और हमारे मैरिनेट किया हुआ फिश को हम इसमें फ्राई करेंगे। ये मच्छी बहुत सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसे थोड़े आराम से फ्राई करना है और हमें इसे बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे घुमा के हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में 2 मिनट का वक्त लगेगा। ये फिश फ्राई हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के फिश को भी फ्राई कर लेंगे। हमारे सारे फिश अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इस बचे हुए तेल में ही हमने जो गीले मसाले बना के रखे थे वो डाल देंगे। इसे 3-4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, जब तक मसाले से तेल ना छूटे। इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। अब हमने जो ड्राई मसाले बनाए थे इसे डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले काफ़ी सूखा है,
इसमें थोड़ी पानी डालेंगे। हमने जो मिक्सर के बाटी में जो लगा हुआ था उसी को ही थोड़ा पानी से घोल लिया है, उसी डाल देंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। एक दो मिनट हो गया है, मसाले को चेक करेंगे। हमारे मसाले अच्छे से भून गया है। अब इसे थोड़ी देर चलाते रहेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक हमें आराम से डालना चाहिए क्योंकि हमने फिश में भी मैरिनेट किया है नमक डाल के, और मसाले बनाते हुए भी हमने नमक डाले थे। अब इसे फिर से 1 मिनट के लिए रख देंगे। 1 मिनट हो गया है, मसाले हमारे अच्छे से भून चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बॉइल्ड बटर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हमारे फ्राई किया हुआ फिश। इसे अच्छे से घुमा घुमा के थोड़ा मसाले लगा लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर स्लो कुक करेंगे। पाँच मिनट हो गया है, मसाले से अच्छे से तेल निकल गया है और फिश भी हमारा सॉफ्ट हो गया है। ये फिश बहुत जल्दी पक जाती है, इसे ज़्यादा ओवर कुक करना नहीं चाहिए। हम इसे आराम से थोड़ा घुमा देंगे। अब इसमें डालेंगे हम कटे हुए 3-4 हरी मिर्च और कटे हुए धनिया पत्ता। बस इससे गार्निश करेंगे। हमारा फिश रेडी है परोसने के लिए। आप इसे गरम चावल के साथ, रोटी के साथ, भागरे के साथ, किसी के साथ भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं। आप भी इसे बनाइए और घर में सबके साथ मज़ा लीजिए। जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।